just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you. जब भी मैं गुड़गांव जाती हूँ, गुरुग्राम जाती हूँ, तो एक जगह जाना बिल्कुल नहीं भूलती, और वो है कार्नेटिक कैफ़े, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन खाना मिलता है। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वहाँ का सेट डोसा। तो मतलब वो इतना ज़्यादा पसंद है कि चाहे कितनी भी दूर मैं रहूँ, मैं वहाँ ज़रूर जाके खा कर आती हूँ। तो आज शानू ने बोला कि माँ आप उसे बनाओ, क्योंकि उसको भी साउथ इंडियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं बना रही हूँ, सेट डोसा और सांभर बनाऊँगी, और उसके साथ ना एक बहुत अच्छा एक और चीज़ बनती है, गन पाउडर जिसको बोलते हैं, वो बनाऊँगी। और साथ के साथ आप लोगों के एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी, और क्योंकि आप लोग मुझसे कहते हो कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करूं। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से सेट डोसा, जो कि काफ़ी मुलायम होता है। जैसे डोसा जो होता है वो काफ़ी कड़क होता है, लेकिन ये डोसा ना काफ़ी मुलायम और स्पंजी होता है, और इसको आज बना रहे हैं सूजी से। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप सूजी, और जितनी हम सूजी लेते हैं उतनी ही हम इसमें दही डालते हैं, यानी अगर 1 कप सूजी है तो हम इसमें 1 कप ही दही ऐड करेंगे। और अगर आपके पास पोहा है तो उसको भी इसमें डाल लीजिए, इससे इसमें अलग ही करारापन आता है। तो मैंने 2 चम्मच इसमें पोहा डाल लिया है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो 1 छोटा चम्मच चीनी डाल लीजिए, और इतना ही आप इसमें नमक डाल लीजिए, और करीब 1/2 कप पानी से, जो कि सूजी का और दही का आधा होता है, 1/2 कप पानी से हम इसे मिक्सी में चला के बिल्कुल पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से जो सेट डोसा बनता है वो ऑथेंटिक तो नहीं होगा, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन ये इंस्टेंट होता है, फटाफट बन जाता है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके 2-3 तरीके होते हैं, तो आज सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है, और अब इसको रख देंगे अलग, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ गन पाउडर। और उसे बनाने के लिए लिए 1/2 कप उड़द की दाल, और करीब 1/4 कप लेंगे हम चने की दाल, और इसको भूनेंगे धीमी फ्लेम पर जब तक ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। एक्चुअली जो ये गन पाउडर होता है, इसके और भी अलग नाम होते हैं, मैं इसे केवल गन पाउडर के नाम से ही जानती हूँ। और देखिए, इस तरह से ये दाल हमारी भुन गई है, अलग कर लेंगे। और अब हम लेंगे 1/4 कप तिल, जो कि सफ़ेद तिल हैं, और इनको अलग भूनेंगे, और जब तक ये चटकने लगते हैं बस उतना ही भूनना है। अलग इसलिए भुना इनको क्योंकि दाल को थोड़ा टाइम लगता है, जबकि तिल को भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इसके बाद जो लाल मिर्च होती है ना, जितनी आप खाते हैं उसी हिसाब से लीजिए, और कश्मीरी लाल मिर्च भी आप इसमें ले सकते हैं, और इन सबको हम पीसेंगे मिक्सी में। लेकिन इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा नमक, और उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लीजिए। एक बहुत ही बढ़िया पाउडर तैयार होगा, जिसे आप इडली पे, डोसे पे डाल के जब खाएंगे तो वो उसका स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। और हाँ, इसका ऑथेंटिक नाम आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मैं तैयार कर रही हूँ सांभर को। तो देखिए, सांभर बनाने की भी अलग अलग सबके तरीके होते हैं। मैं तो काफ़ी सारी सब्जियों को मिक्स करके तुअर दाल में डाल के, अरहर की दाल में डाल के बॉयल कर लेती हूँ, तब बनाती हूँ। और अब देखिए, ये जो सेट डोसे का हमने बैटर बनाया था, ये 10 मिनट तक रखा रहा, और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच इनो का मैं डालूंगी, इनो पाउडर का। और इस पूरे में 1 बड़े चम्मच से आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 जो है सेट डोसा बन जाते हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, कोई भी पैन लीजिए, उसमें ये थोड़ा सा डाल, और इसको शुरुआत के कुछ सेकंड, करीब 4 से 5 सेकंड तेज फ्लेम पे, तेज तवे पे या तेज पैन में रखिए, और उसके बाद धीमी आंच पर इसको सेकिए। ये काफी मोटा होता है, मुलायम होता है, और इसमें ना मतलब स्पंज सी बन जाती है बीच में, जबकि जो वैसे डोसा होता है वो काफी क्रिस्पी होता है। इसको इस तरह से बनाते हैं। वैसे आप इसमें राई का और करी पत्ते का भी जो है छोंक लगा सकते हैं, मतलब जब आप इसमें ऑयलिंग करें तो उसमें करी पत्ता और राई डाल दें, और फिर सेट डोसा बनाएं। तो इस तरह से ये तैयार हो गया, देखिए, और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और अब मैं इसको करूँगी सर्व। ये एक बहुत ही बढ़िया डिश है। वैसे अगर आप लोग कहोगे तो जिस तरह से मैं साउथ इंडियन खाना बनाती हूँ, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, आज आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है मुझे।
कमेंट तो मैं सारे पढ़ती हूँ, शायद ही कोई कमेंट मेरी नज़र से जाता हो, वैसे ऐसा हो भी जाता है। तो उनमें जो सारे कमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मैं कॉमन रिप्लाई बना के आपको देने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी ईमेल्स भी आती हैं जो जिसमें लोग अपनी बहुत पर्सनल चीज़ें बहुत विश्वास और भरोसे के साथ मेरे साथ शेयर करते हैं, तो उन सबका रिप्लाई मैं कैसे दूँ, तो मैं सोचती हूँ कि उसका एक कॉमन मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ, तो वही आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, जो ये सेट डोसा है ना, ये बहुत बढ़िया बने, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंस्टेंट बनते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, इनको जब बनाए तो इसके ऊपर जो है ना वो गन पाउडर जो हमने बनाया है उसको ज़रूर बुरक लेना। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेती हूँ। अब एक क्वेश्चन था पूजा क्यों शुरू करी, हाँ उस पे आते हैं। तो देखिए, जब एक डार्क फेज आया था ना, तो जब ऐसा लगा कि कोई भी अपने साथ नहीं है या जो साथ है वो कैपेबल नहीं है कि वो मेरी सिचुएशन को सही कर सके, तो कैपेबल कौन है? सिर्फ मैं ही अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए कैपेबल हूं। ये ख्याल मेरे दिमाग में 2017 में बैठ गया था कि अब मैं ही अपनी चीज को सही कर सकती हूं। इन्होंने मेरे संग ये किया, इसने मेरा साथ नहीं दिया, इससे कही थी लेकिन इसने अच्छा आंसर नहीं दिया, अरे इन्हें तो फोन पे सब बताया था लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही कोई चीज के लिए हमें पूछा ही नहीं, ये बच के निकल गए। अरे ये तो कायरों की पहचान होती ना, जो इन सारी चीजों को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। ये सब लोग आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाते, बदलाव आप अपनी जिंदगी में केवल और केवल आप खुद लाते हो, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आज आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो अगर आपको खुश होना है तो आप खुद ही खुश हो सकते हो ना, अपने आप को और खुश करो। जब आप खुश रहोगे ना तो बोलने वालों को ये समझ में नहीं आएगा कि इससे बोले कितना, ये तो हर सिचुएशन में खुश है। तो अपने ऊपर काम करना, क्योंकि हर परिस्थिति के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि अब मेरी सिचुएशन 2017 में ऐसी हो चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है, और अब ये सारे लोग बहुत पावरफुल हैं और मैं कहीं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ जॉब करती हूँ, अपने बच्चे पालती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी स्थितियां अगर सही नहीं हो रही हैं तो ये तभी होंगी जब मैं इसमें खुद कुछ करूंगी और इसके लिए मैं ही कैपेबल हूं। अब मैं अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाऊंगी, जब मैं दिमागी रूप से स्ट्रांग होंगी, वो झट रोते रहना, खाना छोड़ देना, कोई आए तो मुंह फुला लेना, इस टाइप की टैक्टिक्स वर्क नहीं करती हैं। इन सब तरीकों की लोगों को आदत पड़ जाती है, क्योंकि अगर उनको परवाह होगी आपकी तो आपके मुंह बनाए बगैर वो आपकी बातें समझ लेंगे, लेकिन अगर परवाह नहीं होगी तो आप पूरे दिन मुंह बना के बैठ रहे हो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये याद रखना, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी चीज आप इससे अलग नहीं देखोगे। तो जब हम खुद सही कर सकते हैं तो तभी सही होंगे ना, जब हमारा दिमाग सही काम करेगा। अब मेंटली हम सही है नहीं, स्ट्रांग है ही नहीं, अब देखते हैं कोई हमसे कुछ कहेगा हम जवाब देंगे ही नहीं, तो इसके लिए दिमाग को हमें स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो दिमाग स्ट्रांग कब बनेगा? जब हम थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को शांत करेंगे, थोड़ा सा अपने आप की सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, थोड़ी सी जो वो उलझे हुए धागे हैं ना उन्हें सुलझाएंगे, कुछ चीजों के निष्कर्ष पर या रिजल्ट पर पहुंचेंगे। हम ये मान लेंगे कि हमारी परिस्थितियां ऐसी ही हैं, ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है, सुलझ गई चीजें, ये इसलिए ऐसा नहीं करते, ये इसलिए ऐसा नहीं करते, ये इस निष्कर्ष पे हम आ गए। अब हम इस चीज पे दोबारा से नहीं जाएंगे कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हम सुलझा चुके हैं अपनी सारी गांठें। अब सुलझने के बाद हमें ये देखना है कि अब हमें इनको हैंडल कैसे करना है। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचना, सेल्फ काउंसलिंग करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपना एक कनेक्शन बना लो उस पे जिसके हाथ में इतनी एनर्जी है कि वो सब कुछ एनर्जीज को ना चेंज कर सकता है, और वो एक सुप्रीम एनर्जी है। तो अपना कनेक्शन उस सुप्रीम एनर्जी से जब आप बनाते हो ना, मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो जब आप उस सुप्रीम एनर्जी से अपना कनेक्शन बनाते हो ना, तो ये सब लोग जो इतने बड़े और पावरफुल थे, जो आपको इतना दबा रहे थे और आप डर रहे थे और पता नहीं कितने कितने चीजें सोच रहे थे इनसे बाहर निकलने की, वो अपने आप इतने छोटे हो जाते हैं और आप अपने आप बड़े हो जाते हो। मतलब वैसे नहीं, दिमागी रूप से, अपनी सोच से। आपको याद ही नहीं आता ये क्या कह रहे थे, इसको मैंने फोन पे क्या कही थी, उसने मुझसे क्या बोला, ये क्यों ऐसे नहीं करते, ये नहीं दिमाग में आते। तो अपने आप को ऊंचा बनाओ तो ये छोटे हो जाएंगे। एक बड़ी लाइन को आप कैसे छोटा करोगे जब उसके सामने एक और बड़ी लाइन खींच दोगे? तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो कि मैंने अपने साथ फील करी है। मैं ये जो बोल रही हूं ये मैंने कहीं सोचा नहीं है, कहीं मैंने लिखा नहीं है, ये जस्ट सडन कुछ चीजें हैं जो हुई और जिनके रिजल्ट मिले वो इसलिए हैं।
पूजा करने से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं एक एनर्जी के साथ, चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में एक सुप्रीम एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, तो उससे जोड़ो अपने आप को, शांत रहने की कोशिश करो। आपको मैं कई बार कहती हूँ ना, किसी के हाथ में आपका ये रिमोट नहीं होना चाहिए। तो फोन है कि उसने किया ऑन तो आप भड़क गए, उसने किया ऑफ तो आप खुश हो गए, उसने किया ऑन तो आप हंसने लगे, उसने किया ऑफ। अरे ऐसा नहीं होना, अगर ऐसे होगा तो फिर तो आप सबसे बड़े हैंडीकैप्ड हो, आप तो विकलांग हो, तो कभी विकलांग नहीं हो। और एक और चीज, इसीलिए मैंने पूजा करनी शुरू करी थी, और पूजा करने को शुरू करने के बाद और इस स्थिति पर पहुंचने के बाद कि अब कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता है, मुझे 3-4 साल लगे हैं तब मैं जाके अब इस स्थिति पे आई कि अब मुझ पे किसी भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ कहां तक, सुनी यहां तक, यहां से वो अलग चली जाती है ना, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अंदर नहीं एब्जॉर्ब होती। जबकि पहले क्या होता था, सुनने के बाद यहां आती थी, यहां खूब जगह इतनी सी घूमती थी वो, और फिर घूमने के बाद वो पूरे मेरे शरीर पे उसका असर आता था। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि उनको तो हम ऑन कैमरा बता ही नहीं सकते, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिनको एक नॉर्मल कोई भी इंसान झेल नहीं सकता, वो बातें भी आज कोई असर मेरे पर नहीं डाल पाती है। उसका रीजन है कि अपने ऊपर हम काम करते हैं। शुरुआत में ऐसी होती है कि हम कुछ भी खराब कर लेते हैं। तो इसका जो एक और चीज बताती हूँ ना, जो भी आपके साथ हो रहा है, आप अपने आप को ना शांत रखने की प्रैक्टिस करनी शुरू करो। फैमिली को, खासकर बच्चों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो। अपनी हर चीज बच्चों से बांटो, और अपने आप को ये मान के चलो कि हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए हैं। इन्हें परेशान मत करो अपनी तरफ से। अगर ये आपको परेशान करते हैं ना, तो इतने कैपेबल बनो कि उसका असर आपके ऊपर ना हो। फैमिली तब ग्रो करती है। ऐसा नहीं होता हम हमेशा अपने, इसने मुझसे कह दिया, हम हमेशा अपने लिए सोच रहे, अरे ये मुझसे ऐसा कहेगा तो मैं अपने लिए एक स्टैंड लूंगा। स्टैंड लेना तो इट्स वेरी इजी, आप खड़े हो जाओ, बकबक बकबक हल्ला मचाते रहो। स्टैंड लेना सही चीज के लिए, अपने लिए, ताकि अपने ऊपर हार्म ना आए। तो उसके लिए पहले अपने आप को तैयार तो करो कि जब तुम स्टैंड लो तो तुम्हारे लिए कोई सुन सके, वरना स्टैंड लोगे आप कहोगे मैं तो ऐसा नहीं करती, तो कहेंगे मत करो, कौन तुम्हारे स्टैंड की सुन रहा है। तो अपने बच्चों के ऊपर फोकस करो, प्यार करो अपनी फैमिली से, उन्हें पैम्पर करो अपनी फैमिली को, उनके लिए थोड़ा सा डिवोशन लेकर आओ अपने अंदर, ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होने लगती हैं। कई सारी चीजें आपके बोलने कहने से चेंज नहीं होती हैं, आपके एक्शंस से चेंज होती हैं, क्योंकि वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपके शब्दों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो पूजा करनी इसलिए शुरू करी ताकि अपने ऊपर कंट्रोल मैं कर सकूं, जो कि बहुत मुश्किल होता है करना, हम बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं। ये थी पूरी बात, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन और लेती हूँ, इतने सारे मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ लेकिन वो लास्ट में फिर मैं नहीं आती। एक चीज और, जो कि आप लोग कहते हो कि नहीं हमसे तो कोई कुछ कहता है तो हमसे ये नहीं होता, मतलब इसका मैं एक मतलब इसको इस तरह से बताती हूँ, दो चीजें होती हैं, एक होते हैं इमोशंस और एक होती है प्रैक्टिकल लाइफ। इमोशंस बढ़ाते जाओ दुखी होते जाओगे, खूब परेशान, ये ऐसे ही नहीं करते, ये ऐसे नहीं करती, ये इमोशंस हैं, क्योंकि इमोशन से एक्सपेक्टेशंस जनरेट होती हैं। अगर मुझे आज किसी से लगाव है, वो एक इमोशन है ना, लगाव है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस चीज के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगी, नहीं तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। एक्चुअली लगाव और हैबिट में एक बहुत ही थिन लाइन का अंतर है। कुछ लोगों की हमें सिर्फ हैबिट होती है, उनसे लगाव नहीं होता है, हम कुछ दिन परेशान रहते हैं फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, तो कभी और बात करूंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इमोशंस को ना आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, इमोशंस को और प्रैक्टिकल चीजों का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इमोशन हम खत्म तो नहीं कर सकते, बट एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड आपको कुछ कह देते हैं तो आपको बहुत बुरा लगा, है ना, इमोशन था, क्या इमोशन था, क्योंकि आपको उनसे लगाव है, उन्होंने आपसे कुछ बुरा बोला, को खराब बोला तो आपको बुरा लगा। अब प्रैक्टिकल क्या कहता है, अरे ठीक है बोल दिया ना, इंसानी तो है, झिकझिक रहती है, जिसके संग 24 घंटे रहते हैं उसे हमेशा अच्छी बातें थोड़ी कर सकते हैं, हमेशा अच्छा 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 तो कोई नहीं बोल सकता ना, और हमेशा बुरा भी कोई नहीं बोल सकता। तो ऐसे प्रैक्टिकल चीजें मान के चलो कि भैया ठीक है, नहीं बोल रहे, नहीं बोले, हमारे तो बच्चे हैं, हम बच्चों के संग मस्त रहेंगे, अरे नहीं बात करते अच्छी तरीके से ना करें, हम तो अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे, अरे नहीं पूछते, कहीं लेके नहीं जाते, बहुत अच्छा है, हम अपने आराम से खुद घूमेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं जब अपने हस्बैंड के संग मार्केट जाया करती थी ना, तो हर चीज को मना करते थे, ये क्यों ले रही है, ये क्यों ले लिया,
ये तो खराब निकलेगी, ये तो घर पे इतनी सारी है ना, होता होगा हम लोगों के साथ भी। तो मुझे लगा नहीं साहब अब तो हम अकेले आएंगे, क्योंकि हमें तो लेना है, हमें तो, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज हम आपसे मांग के ले रहे हैं, हम तो खुद जानते हैं, हमें पता है। तो शुरुआत की बात बता रही हूँ, तो फिर मैं अकेले जाती थी, खूब जो मुझे लेना होता था मैं लेके आती थी। अब इस चीज को मैं जोड़ती तो हर चीज से इस तरह से जोड़ लेती है, तो हर चीज को मना करते हैं, तो मैं ले ही नहीं पाती, मेरे पास ये नहीं। अरे इतना रोना किस बात का है, ऑप्शन ढूंढो ना, प्रैक्टिकल बनो। अब अगर वो मुझे लेने नहीं देते तो उसका मतलब खराब तो नहीं है ना, उनकी हैबिट है, वो नहीं पसंद करते। तो बहुत सारी चीजों में ना आपको धीरे धीरे, खासकर शुरुआती लाइफ में, बहुत बैलेंस अप्रोच बनानी पड़ती है, तब जाके लाइफ चलती है। अब इसके अंदर जो स्क्रीनशॉट थे वो तो मैंने लिए ही नहीं, इसके अंदर जितने क्वेश्चंस लिखे थे, क्योंकि वो बहुत अलग अलग वीडियोस के थे, वो मैंने पूरे लिए नहीं, बोलने की इतनी मतलब इतनी मेरा मन करता है कि मैं ना आप लोगों को बिल्कुल जी निकाल के बता दूं इस चीज को, तो उसमें इलज जाती हूँ। तो मतलब एक चीज और बताऊं, अभी लाइट आ रही है तो मैंने इतना वीडियो भी आपके साथ बना लिया। तो इन सारे क्वेश्चंस में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर किया करो, क्योंकि कमेंट कोई सा नहीं जाता होगा जिसे मैं नहीं पढ़ती हूँ। आपको फिर से चैलेंज कर रही हूँ, सारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ, और जो मेरे अलावा जो और लोग भी हैं, वो एक ऐसी कम्युनिटी होती है कमेंट सेक्शन की, पढ़ के हम एक दूसरे को थोड़ा सा हम सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो आप जब कभी भी कोई भी अपनी बात हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जो भी चीज़ों की मुझे बतानी थी उसमें से 1/4 तो मैंने आपको बता दी। तो धीरे धीरे और वीडियोज में आपके साथ में ये चीज़ें शेयर करूंगी, तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर पसंद आए तो लाइक आपको करना ही है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब वीडियो एडिट करूंगी, आप तक काम पहुंचाऊंगी, सारे सूट फैला दिए हैं उनको रखूंगी सही तरीके से। तो अब एक बात बताओ, इतने काम हैं तो ये सोचने की फुर्सत कहां है कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। एक्चुअली बताऊं ना, जब कोई मुझे बता भी रहा होता है कि वो ऐसा कह रही थी, तो मैं उनसे कहती हूँ प्लीज मुझे मत बताओ, मुझे सुनना ही नहीं है कोई क्या कह रहा था, आप अपने तक रखो, मैं सुनती भी नहीं हूं। तो धीरे धीरे करके ना हमें अपनी हैबिट ऐसे बना लेनी होती है।